हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल अबॉर्शन क्या आप बार बार कर सकती हैं, यानी कि दवाइयों के माध्यम से जो अनवांटेड किड होता है उसके माध्यम से आप क्या बार बार अबॉर्शन कर सकती हैं, कितनी बार आप अबॉर्शन कर सकती हैं दवाइयों के माध्यम से, यानी कि मेडिकल अबॉर्शन आप कितनी बार कर सकती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ज़रूर बने रहें पूरी जानकारी के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम वीडियो शुरू करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आपसे वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दवाइयों के माध्यम से आप कितनी बार अबॉर्शन कर सकते हैं, या फिर बार बार अबॉर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप बार बार अबॉर्शन नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ से आप जितना बच के रहेंगी उतना सही है आपके बॉडी के लिए भी, क्योंकि देखिए इसको करने के बाद लेडीज़ें पहले शुरुआत में दवाई तो खा लेती हैं अपने मन से, पर उसके बाद होता क्या है, उनकी जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं या फिर इन्फेक्शन के चांसेस हो जाती हैं, आगे चल के उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, फ्यूचर प्रेगनेंसी में उनको काफ़ी दिक्कत आती है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आगे आ सकते हैं उनको। तो इसलिए आपको बार बार मेडिकल अबॉर्शन से बचना चाहिए। तो एक या दो बार आप मेडिकल अबॉर्शन कर सकती हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा कि कई बार होता क्या है कि चलो अबॉर्शन कंप्लीट हो गया वहाँ पे तो सही है, आपने डॉक्टर की राय ली, उनसे प्रिस्क्रिप्शन करके ही जो किट है वो ली, और आपने 14वें दिन या फिर 15वें दिन आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अबॉर्शन था वो कंप्लीट हो गया, ये तो चलो अच्छी बात है। देखिए कई बार होता क्या है कि लेडीज़ें मेडिकल स्टोर से या फिर कहीं से भी ला के दवाइयाँ खा लेती हैं और गलत मेथड से दवाइयाँ खाती हैं, उस केस में जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और कुछ मटेरियल प्रेगनेंसी मटेरियल अंदर ही रह जाते हैं और वो आगे चल के जो है इन्फेक्शन को कॉज करते हैं या फिर लगातार ब्लीडिंग को कॉज कर सकते हैं, जिससे कि महिलाएं परेशान रहती हैं काफ़ी महीनों तक। देखिए होता क्या है, कुछ भी मटेरियल अंदर रह जाते हैं तो वो इन्फेक्शन यानी कि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, एडिजन हो सकता है, आपकी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, आगे चल के आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, यानी कि जब आप एक्चुअल में प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेंगी, आप बच्चा चाहेंगी, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। इन्फेक्शन के वजह से आपको लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है, DNC की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता है तुरंत, हाथों हाथ आपको DNC करवानी होती है, सर्जिकल अबॉर्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि DNC तो उसके बाद करानी होती है, तभी आपका जो यूट्रस है बच्चेदानी है वो क्लियर हो पाता है, जो मटेरियल है वो निकल पाता है, नहीं तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि जो बचा कुचा मटेरियल है वो साफ़ हो सके, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, तो इस केस में आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो इसलिए एक आध बार डॉक्टर से राय लेके तो वहाँ पे तो चलो चल जाता है, आप बार बार कहीं से भी लाके मेडिसिन और अबॉर्शन कर रही हैं तो कभी ना कभी आप जो है इस तरह की कंडीशन में फंस सकती हैं, तो इसलिए बचिए, आप बार बार अबॉर्शन करने से बचिए। और भी कोई कई कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड हैं, कॉन्डम है, कॉपर टी है, अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप ट्यूबल लाइगेशन करा सकती हैं, आप नसबंदी करा सकती हैं, आपके हस्बैंड नसबंदी करा सकते हैं, आधे घंटे का प्रोसेस होता है, कोई इसमें पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये करा सकती हैं, सबसे सेफ रहता है, आप इंजेक्शन लगवा सकती हैं, कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड हैं जो कि आपके लिए सही रहते हैं, आप इन चक्करों में अपने शरीर को ख़राब मत करिए, आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर रहा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके लिए वीडियो कैसा रहा, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी अपने सवाल हमसे कर सकते हैं, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।